अगर आपको लगता है कि यार अगर मेरे 60-70% पे अटका हुआ हूँ प्री बोर्ड्स में, तो वो जो इम्प्रूव होगा 95% या 95% प्लस तक वो इम्प्रूव करेगा आपका। हेलो गाइस, दिस इज योर ब्रदर शौरव राजपूत। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यार आप कितनी आसानी से 95% ला सकते हैं इन 2 मंथ स्ट्रेटजी। यस गाइस, 2 मंथ स्ट्रेटजी देने वाला हूं, या फिर आप बहुत सारे टॉपिक को इसे कंक्लूजन ला सकते हो कि आप कैसी स्ट्रेटजी रखो 95% के लिए। आप किसी भी स्टेज में हो, चाहे आपके 15 डेज रह गए हो, 2 मंथ्स की स्ट्रेटजी है, या फिर आप थोड़ी सी पहले देख रहे हो, तो जब भी आप देख रहे हो तब ये वीडियो यार आपके लिए एक इसेंशियल होने वाली है। मतलब आपके इसमें आइडिया मिल जाएगा, स्ट्रेटजी मिल जाएगी, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा यार फायदेमंद होने वाली है। तो मेक श्योर यार आप वीडियो को एंड तक देख रहे होगे। तो यार सबसे पहली बात, बहुत से स्टूडेंट यार यहाँ पे है ना यही बात कहने आएंगे, बैड कमेंट्स करने आएंगे, क्योंकि उन्हें ये बात लगती है कि ये अनरियलिस्टिक चीज है। मतलब चाहे वो क्लास 10th में ही क्यों नहीं हो, वो ये सोच रहे होंगे नहीं 2 मंथ में कभी भी 95% नहीं आ सकते। लेकिन वो गलत है, वो गलत है। बहुत से स्टूडेंट यार इसमें प्री बोर्ड्स के लिए सोच रहे होंगे कि जब हमारे प्री बोर्ड्स में ही नहीं आए, प्री बोर्ड्स में ही हम 60-70% पे अटके हुए हैं, तो बोर्ड्स में आके 95% कैसे ला सकते हैं। तो यार मेक श्योर कि आप वीडियो को एंड तक देखना, इन सारे पॉइंट्स के आंसर मैं देने वाला हूं। इट्स अ रियलिस्टिक थिंग इन अबाउट बोर्ड्स एग्जाम, ओके। तो यार वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। तो वीडियो में यार हमेशा मैं पहले ही बताता हूँ, पूरी वीडियो में प्रैक्टिकल थिंग्स पे बात करूंगा, कोई ऐसे नहीं हवा हवा में वो कह दूंगा कि नहीं भाई पूरे दिन में 24 से 25 घंटे पढ़ना और आपके मार्क्स आएंगे। नहीं, एक रियलिस्टिक प्रैक्टिकल बात पे बात करने वाला हूँ, ओके। फर्स्ट पॉइंट देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट यार, मेक श्योर यार आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा। यार मैं 2 मंथ स्ट्रेटजी दे रहा हूँ, मतलब बोर्ड से 2 मंथ पहले की स्ट्रेटजी। तो मेक श्योर यार आपका पूरा जो सिलेबस है ना, होल सिलेबस आपको पता चल गया होगा, मतलब अच्छी तरह से आया हो वो नहीं है, मतलब आपने एक ओवर आइडिया दे रखा हो कि हमारे सिलेबस में आखिर है क्या, कितना पढ़ना है, ओके। एंड देन सेकंड बात पे यार मैं यहाँ बात करूंगा कि जब आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, तो यार अब आपको ये पता चल गया होगा कौन से चैप्टर हमारे इंपॉर्टेंट है, कौन से चैप्टर यार, या फिर आप सोच सकते हो हमारे लिए हार्ड है। चैप्टर हार्ड नहीं है, हमारे लिए हार्ड है। मतलब यार ऐसे चैप्टर जो कि आपको लग सकता है कि मुझे समझने में टाइम लगता है, मुझे इसमें प्रैक्टिस की जरूरत है, मुझे इसमें रिवाइज करना पड़ेगा, कम से कम 4 बार रिवाइज करना पड़ेगा, तब जाके जो चैप्टर है मेरे बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर हो पाएगा। और दूसरी बात यार, इसमें यह भी समझ में आ गया होगा आपके क्या, कि बहुत सारे चैप्टर हमें ऐसे मिले हैं जो कि यार इंपॉर्टेंट भी है, या सेकेंड टाइम इसमें कि यार बहुत ईजी भी है। मतलब अगर मैंने सिर्फ 1 बार रिवाइज करा, या फिर अगर मैंने जिस दिन एग्जाम है उस दिन 1 दिन पहले या 2 दिन पहले मैंने नोटबुक उठाई सारे इन सारे चैप्टर्स के लिए, तो आई कंप्लीट ऑल दिस चैप्टर, ओके। तो यार ये जो चैप्टर की है एक लिस्ट बना देना, ये लिस्ट भी नहीं बना दे रहा कोई बात नहीं, लेकिन आपको पता होगा कि यार ये चैप्टर में मुझे प्रैक्टिस की जरूरत है। लाइक एज, या फिर आप, मैं आपको कहूं कि लाइट एंड रिफ्लेक्शन वाला चैप्टर है, रिफ्लेक्शन वाला, तो यार उसमें न्यूमेरिकल की हो सकती है आपको प्रैक्टिस, हो इलेक्ट्रिसिटी में न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस हो सकती है, हो सकता है केमिस्ट्री की यार बैलेंस इक्वेशन नहीं आती हो, मैथ के यार ट्रायंगल के क्वेश्चंस नहीं आते हो, मतलब ये जो तरीके के चैप्टर्स हैं जिसमें आपको प्रॉब्लम होती है, इसमें प्रैक्टिस की जरूरत आपको पड़ेगी, ट्रिग्नोमेट्री में प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। तो मेक श्योर यार आपको ये बात पता चल रही होगी। देन जब यार आपको ये पता चल गया कौन से चैप्टर हमारे लिए हार्ड है, कौन से चैप्टर हमारे लिए मुश्किल है, तो यार अब आपको जो ईजी है, क्या इजी चैप्टर्स जो है, कौन से इजी चैप्टर, तो यार आप उन्हें उठा के रख दीजिए साइड में। मतलब आपको सिर्फ वो संडे टू संडे रिवाइज करने हैं, मतलब संडे के दिन उठा के देखोगे ये चैप्टर मुझसे अच्छी तरह के साथ आता, थोड़ा सा रिवाइज कर लो। अब यार आपके 2 मंथ्स हैं, आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया, 2 महीने क्या करोगे बैठकर, 2 महीने यार 24 घंटे 1 दिन में होते हैं, मतलब सोच लिया अगर आप पर डे लगभग 3 से 4 घंटे पढ़ रहे हो तो बहुत टाइम मिलेगा। इस टाइम में आपको क्या करना है, इस टाइम में आपको सिंपल सी बात, जो चैप्टर आपको मुश्किल लगता है, नॉर्मल सी बात बोल रहा हूँ, जो चैप्टर आपको मुश्किल लगता है उसको रिवाइज करो, उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, उसमें जितनी प्रैक्टिस आप कर सकते हो, जितने डाउट उसमें क्लियर हो सकते हैं तो वो आप कर लो, वही आपके लिए बेस्ट रहेगा। अब यार 2 महीने की स्ट्रेटजी में यार आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली, तो यार अब 2 महीने में आपकी जो परसेंटेज बूस्टर बनेगा, मतलब अगर आपके प्री बोर्ड्स में कहीं आपके 60-70%, जिस स्टूडेंट का प्री बोर्ड नहीं हुआ है कोई बात नहीं, आप एज अ एग्जाम्पल लीजिए, आपको अपनी पता है कि लगभग मेरे 70-80% की तैयारी हुई है, तो यार अगर आपको लगता है कि यार अगर मेरे 60-70% पे अटका हुआ हूँ प्री बोर्ड्स में, तो वो जो इम्प्रूव होगा 95% या 95% प्लस तक वो इम्प्रूव करेगा आपका रिवीजन। तो मेक श्योर यार आप जितने भी चैप्टर्स हैं आपके, चाहे SST में हो, इंग्लिश में हो, साइंस में हो, मैथ में हो, कंप्यूटर में हो, या किसी में भी हो, ओके, तो यार आपको मेक श्योर कि आप वो कम से कम 4 बार रिवाइज करोगे इन 2 महीने में हर एक चैप्टर।
ऐसा नहीं है कि यार एक बार रिवाइज करा फिर हाँ भाई मैंने तो रिवाइज कर लिया अब मुझे रिवाइज करने की जरूरत नहीं 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 हर संडे को यार एज अ टेस्ट लेना है, मतलब हर जितने भी चैप्टर आपने पिछली बार रिवाइज करे वो दोबारा रिवाइज करना है, वरना आप भूल जाओगे। इसलिए रिवाइज करना है, जितनी बार आप रिवाइज करोगे चाहे बोर्ड से पेपर हो, मतलब बोर्ड से पहले हो, जितनी बार भी आप रिवाइज करोगे वही आपके लिए बेटर रहेगा। यार मैंने इससे पहले ही वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको रिवाइज करना बताया था, लेकिन अब यार वो थोड़ी सी ओल्ड हो गई है। अब मैं आपके लिए दोबारा वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि आप कैसे कोई से भी चैप्टर्स या फिर अपना जो पूरा सिलेबस है आप 4 से 5 बार आराम से रिवाइज कर सकते हो, और वो भी इन 2 मंथ्स में या लास्ट 15 डेज में। तो मेक श्योर यार चैनल को आप सब्सक्राइब कर दोगे। अब यार सेकंड टाइम पे यार बात करने वाला है घोड़े और गधे में आपने अंतर देखा है, यस अब वो देखना पड़ेगा आपको। क्यों? मतलब यार गधे और घोड़े में आपने अंतर देखा होगा, होते हैं गधे वो क्या काम करते हैं, लोड ज्यादा लेते हैं और हल्के हल्के चलते हैं, लोड ज्यादा लेके हल्के हल्के चलते हैं। लेकिन घोड़ों में यार आपने स्पेशलिटी देखी होगी क्या, वो यार लोड कम लेते हैं, लोड कम लेते हैं लेकिन चलते तेज हैं, लोड कम लेकर चलते तेज हैं। तो यही काम यार घोड़े वाली जो मतलब हॉर्स की जो स्पेशलिटी होती है वो आपके अंदर लेनी पड़ेगी। मतलब अब आपको यार सिलेबस आपका कंप्लीट है, आप बार बार रिवाइज भी कर रहे हो, तो अब आपको ये गलती नहीं करनी है कि आप पर डे 6 जितने भी 6 आपके सब्जेक्ट हैं तो 6 के 6 पढ़ रहे हो, नहीं आप पर डे आपको सिर्फ 2 या 3 सब्जेक्ट को चूज करना है। ऐसा भी नहीं है एक को लेके बैठ जाओ कि नहीं आज सुबह फिजिक्स के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को लेके बैठे हो पूरे दिन वही चल रहा है, नहीं 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 आपको क्या करना है, आपको यार पर डे 3 सब्जेक्ट जो भी आपको अच्छे लगते हो, चाहे वो आपके लिए हार्ड हो चाहे वो ईजी हो या आपके लिए कह सकते हो मीडियम हो, ठीक है ना, तो कोई से भी 3 सब्जेक्ट, ऐसा नहीं है जो आज है वही कल है, थोड़े चेंज वेरिएशन आप लाते रहना अपने अंदर। जैसे यार साइंस और मैथ एंड कंप्यूटर कर लिए तो कल जाके आपने हिंदी इंग्लिश कर लिया और कोई थर्ड सब्जेक्ट ढूंढ लिया, तो इस तरीके से वेरिएशन आपके अंदर लाना पड़ेगा। अब इससे क्या फायदा होगा यार, आपको जब टेंशन फ्री रहना है, रिलैक्स्ड रहना है इन 2 महीने कि यार सोच, बहुत से स्टूडेंट क्या काम करते हैं ये भी करेंगे पर डे 6 सब्जेक्ट लेंगे, नहीं 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 वो काम मत कर देना जिससे आपका रिलैक्सेशन जो है ना खत्म हो जाएगा, और जिसके यार जो परसेंटेज बूस्टर में बात बता रहा हूँ ना, परसेंटेज बूस्टर होगा वो नहीं बन पाएगा। तो पर डे 3 सब्जेक्ट आपको पढ़ना होगा, और ऐसा नहीं है कि पर डे 6 सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो। अब यार बहुत से स्टूडेंट में यार एक कंफ्यूजन में देख रहा था, यार बहुत से स्टूडेंट यार बहुत डिप्रेस हैं किसके लिए, प्री बोर्ड्स के एग्जाम के लिए, चाहे वो उनके आने वाले हो बीत गए हो, उसके लिए कि यार मेरी परसेंटेज अच्छी नहीं आई है। और बहुत से स्टूडेंट तो ये भी सोच रहे होंगे कि यार मेरी परसेंटेज अच्छी नहीं आई है तो शायद मैं बोर्ड्स में भी अच्छा नहीं कर पाऊँ, नहीं नहीं नहीं। अब मैं आपको एक बात बताऊं यार, जो प्री बोर्ड्स में चेकिंग होती है ना वो क्या होता है यार, जो टीचर्स होते हैं वो जितने मार्क्स आपके एक छोटी सी छोटी गलती पे, ऐसा नहीं है उनसे दुश्मनी आपकी, नहीं ऐसा क्या होता है यार उन्हें अपने बोर्ड्स का मतलब अपने यार आपका जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा लाना होता है, ओके। तो यार वो जो भी गलती आपकी हो सकती है, मतलब आप उन्हें लगता है कि हाँ आपको इम्प्रूव करने की जरूरत है, तो यार वो बढ़ा देते हैं। अगर कहीं आपकी गलती से आप मान सकते हो कि छोटा सा पॉइंट बोर्ड में नहीं कटता है तो वो हाँ तो प्री बोर्ड्स में कट जाएगा, तो आप प्री बोर्ड्स की यार जो मार्क्स है उसे लेके चिंता नहीं हो, ठीक है ना। वो यार जो टीचर है हमारे स्कूल्स के, हमारे क्लास टीचर, सब्जेक्ट टीचर, वो चाहते हैं कि आप इस पे काम करो, बोर्ड्स में अच्छा नंबर लाओ, ओके। तो मेक श्योर यार आप प्री बोर्ड्स के लिए डिप्रेस नहीं होगे। एक छोटा सा पॉइंट मैं बता रहा हूं, अब इसमें यार आपको थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड बात है, टाइम मैनेजमेंट नहीं है, मतलब यार आए बहुत से स्टूडेंट मैंने देखे हैं ना रात को पढ़ते हैं दिन में पढ़ते हैं, उसकी वीडियो मैंने बना रखी है, मतलब आपके लिए रात का समय अच्छा है या दिन का। लेकिन वहां पे क्वेश्चन यार ये आता है, बहुत से स्टूडेंट में मैंने ये बात देखी है, क्या करते हैं यार वो लगातार 3-3 घंटे पढ़ते हैं और फिर ब्रेक लेंगे, ब्रेक भी लेते हैं, ऐसा नहीं 3 घंटे के बाद 10 मिनट का ब्रेक फिर पढ़ते हैं, नहीं यार। एक बात मैं आपको एक साइंटिफिक प्रूवन बात बताता हूं, अगर साइंटिस्टों ने बताई है, कोई मैंने अपने पास से नहीं बोल रहा हूं, उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया है कि अगर कोई भी यार एक स्टूडेंट हो या कोई भी पर्सन, एक ह्यूमन हेल्थी ह्यूमन, अगर वो यार कंसंट्रेटेड होके एक जगह बैठता है और उस पर ध्यान लगाता है बिना किसी और के डिस्ट्रेक्शन के अलावा, तो यार वो सिर्फ 40 से 45 मिनट, मतलब 40 से 45 मिनट वो बैठ सकता है, उसके बाद उसे एक ब्रेक की जरूरत पड़ेगी। तो मेक श्योर यार आपको, अगर आप ज्यादा ही अच्छा समझते हो क्योंकि थोड़ा बहुत डिस्ट्रेक्शन होता रहता है, कोई बात नहीं, तो यार अगर आप बहुत अच्छे मतलब कंसंट्रेटेड हो तो यार मिनिमम वन आवर के बाद यार आप एक ले लोगे, मतलब एक 10-15 मिनट का ब्रेक लेना है। और ब्रेक में ऐसा बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं, जैसे कि आज मैं कह देता हूं आपसे खेलने चले आना तो खेलने चले जाते हैं, पता चला वही 4 घंटे निकाल रहा है, नहीं। अब मैं आपको बताता हूं उसका सिंपल सा रूल क्या है कि यार जो भी थिंग या फिर जो भी यार एक्टिविटी जिसे आपको करने में मजा आता है, मतलब मजा का मतलब
आपको रिलैक्सेशन मिलता है, जैसे कि बहुत से स्टूडेंट को हो सकता है सिंगिंग करने में, डांसिंग करने में, दोनों वे हो सकता है, कोई ऐसी बात नहीं। किसी को खेलने में, तो खेलने में बाहर नहीं जाना। अगर बाहर गए तो सोच लो गए 4 घंटे अपने पास से, यस गए 15-20 मिनट के ब्रेक में। आप हो सकता है कि घर में बैठ के यार चेस खेल लो, कैरम खेल लो, कोई यार इंडोर गेम जो होते हैं, कोई इंडोर गेम, स्क्रीन पे मत जाना। कहीं सोच रहे नहीं पबजी खेल लेंगे हम, नहीं पबजी नहीं खेलना है, इंडोर गेम्स जहाँ पे यार थोड़ा सा मेंटली आपको फिजिकल भी दोनों को काम करना पड़े। ओके गाइस, तो यार ये सारे पॉइंट्स हैं जिसमें मैंने आपको बताया 95% आप कितनी अच्छी तरीके से ला सकते हो। अब यार मैं आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे बोलने वाला हूँ कि यार बहुत सारी वीडियो मैंने बनाई थी स्ट्रेटेजी के ऊपर, और अब इसके ऊपर बनाने वाला हूँ और भी, क्योंकि अब जो 2 मंथ स्ट्रेटेजी है यार, मतलब 2 महीने फिर 1 महीने फिर 1 महीने, उसमें आप कितने अच्छी तरीके से ला सकते हो। तो मेक श्योर यार आपको चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे। और सबसे बड़ी बात यार, हम यार एक सीरीज जो है लॉन्च कर रखी है, जिसमें यार आपको हर एक चैप्टर के, हर एक सब्जेक्ट के, हर एक चैप्टर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। तो मेक श्योर यार उन वीडियो को जाके देख रहे होंगे। तो वीडियो को करना लाइक, चैनल को करना सब्सक्राइब। करते हैं वीडियो खत्म, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।